आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील चिरानिया अपने YouTube चैनल सुनील पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं 1999 में आई फिल्म कच्चे धागे की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। मिलन लुथरिया के डायरेक्शन में बनी फिल्म कच्चे धागे की शूटिंग राजस्थान के जैसलमेर के बड़ा बाग में शूट की गई। दोस्तों, फिल्म में स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो अजय देवगन, सैफ अली खान, मनीषा कोइराला, नम्रता शिरोडकर और गोविंद नामदेव ने अभिनय किया। दोस्तों, शूटिंग लोकेशन पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म का एक सीन बड़ा बाग में इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें अजय देवगन और नम्रता शिरोडकर यहाँ पर खड़े हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीन शॉट में देखकर इन पत्थरों को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इस बड़ी छतरी की डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा छतरी के पास में जो छोटी छतरी नज़र आ रही है, इस छतरी को भी आप स्क्रीन शॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन बड़ा बाग में इसी जगह पर शूट किया जाता है। बड़ा बाग मुख्य रूप से रामगढ़ के रास्ते में जैसलमेर के उत्तर में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बड़ा बाग शाब्दिक अर्थ अनुवाद बिग गार्डन है। बड़ा बाग में एक विशाल बांध, एक टैंक और उसके आसपास सेनोटेफ का समूह है। इस स्थल पर राजसी बांध भी है जिसका निर्माण महाराजा जयसिंह जूनियर ने 16वीं शताब्दी में अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। यह स्थल मुख्य आकर्षण राजभवन है जो कि महाराजा जयसिंह के राज घराने के लिए बनाए गए थे। सेनोटेफ्स का अंतिम निर्माण महाराजा जवाहर सिंह के लिए किया गया था और जो अधूरा है। शानदार सेनोटेफ जिसे स्थानीय रूप से छतरियों के रूप में माना जाता है, वह सुंदर वास्तुकला और जटिल नकाशी के लिए देश भर के पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण केंद्र बने हुए हैं। बड़ा बाग से कुछ दूरी पर स्थित विशाल पवन चक्कियाँ हैं जो इस साइट की सुंदरता को और बढ़ाती है। बड़ा बाग में विभिन्न छतरियों के अड्डे, चौकोर, षटकोणीय देखने को मिलते हैं। फिल्म का एक सीन बड़ा बाग के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हुए अजय देवगन से बातें करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीन शॉट में देखकर सामने जो छतरियाँ बनी हुई है, इन छतरियों की डिज़ाइन और दोनों तरफ के जो पिलर्स हैं इन्हें और जो सेंटर के अंदर जो गोलाई बनी हुई है छतरी की, इन्हें भी आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं। इसके अलावा पास में जो छतरी बनी हुई है, इसकी डिज़ाइन को भी आप स्क्रीन शॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन बड़ा बाग के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। बड़ा बाग का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय के उत्तराधिकारी लूणकरण द्वारा पूरा किया गया। सेनोटेफ्स का अंतिम निर्माण महाराजा जवाहर सिंह के द्वारा किया गया था जिसका निर्माण पूर्ण नहीं हो सका था। क्षत्रिय या सेनोटेफों के निर्माण की परंपरा को बंद करने का कारण ये था कि जवाहर सिंह के बेटे की मृत्यु के बाद इसे दुर्भाग्यपूर्ण माना जाने लगा क्योंकि उनके पिता के सेनोटेफ के निर्माण के दौरान उनकी एक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। इस इलाके में आम के खूबसूरत पेड़ देखने को मिलेंगे। प्रत्येक सेनोटाफ पर नकाशी उन शासकों के हितों और स्वाद को दर्शाती है जिनके लिए सेनोटेफ का निर्माण किया गया था। जेत बांध 1200 फीट की लंबाई और 350 फीट की चौड़ाई के विशाल क्षेत्र में बना हुआ है। यहाँ एक गोवर्धन स्तंभ है जिसे टैंक और बांध की इमारत को चिन्हित करने के लिए बनाया गया है। अगर इस स्थल पर एक राजसी बांध भी है जिसका निर्माण महाराजा जयसिंह जूनियर ने 16वीं शताब्दी में अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। इस स्थल पर मुख्य आकर्षण राजभवन है जो कि महाराजा जयसिंह के राज घराने के लिए बनवाए गए। सेनोटेफ का अंतिम निर्माण महाराजा जवाहर सिंह के लिए किया गया था। फिल्म का एक सीन बड़ा बाग के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें अजय देवगन इस छतरी के पास में खड़े हुए नजर आते हैं और सैफ अली खान और नम्रता शिरोडकर इस छतरी के पास में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप स्क्रीन शॉट में देखकर इस छतरी के कॉर्नर और डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो छतरी के पीछे खूब सारी छतरियाँ नज़र आ रही हैं, इन छतरियों की डिज़ाइन को भी आप मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इन पत्थरों को भी आप स्क्रीन शॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन बड़ा बाग के अंदर इन्हीं छतरियों के पास में शूट किया जाता है। यदि राजस्थान में कोई एक जगह है जिसने मुझ पर प्रभाव छोड़ा है तो वह जैसलमेर में बड़ा बाग नामक स्मारकों का सुनहरा शहर था। बड़ा बाग जिसे बारा बाग के नाम से भी जाना जाता है, इसका हिंदी में अनुवाद है भव्य उद्यान और यहीं पर आपको जैसलमेर राजघराने का अंतिम विश्राम स्थल भी मिलेगा। आपको शहद से सजी छतरियों की पंक्तियाँ मिलेगी जो एक
अविस्मरणीय दृश्य बनाती है। मृतकों के सुनहरे शहर की खोज के साथ साथ रेगिस्तान में यह दृश्य आपकी यात्रा पर सूर्यास्त देखने के लिए अद्भुत जगह है। यहाँ इतिहास क्या उम्मीद करें शीर्ष युक्तियों के साथ जैसलमेर में बड़ा बाग की यात्रा के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका दी गई है। जो लोग नहीं जानते कि उनके लिए सेनोटेप खाली कब्रें, जो उन लोगों की याद में बनाई गई जिनके अवशेष कहीं और भी पड़े हैं। भारत के कई हिस्सों में अथेंटिसिटी स्मारकों को छतरियां कहा जाता है, ऐसा ऊंचे गुंबद के आकार के मंडपों के कारण जो कब्रों के शीर्ष पर स्थित है। छतरियां भारत के उत्तर में बेहद आम है, मुख्य रूप से राजपूत और मुगल वास्तुकला में उपयोग की जाती है। इस शब्द का अनुवाद है चंदवा या छाता। जैसलमेर में छतरियों का निर्माण जैसलमेर राजघराने की स्मृतियों में किया गया था और बड़ा बाग की शुरुआत शहर के संस्थापक महाराजा जयसिंह द्वितीय के समय में हुई थी। बड़ा बाग में पहली कब्रगाह 18वीं शताब्दी में महाराजा जयसिंह द्वितीय की स्मृति में बनाई गई थी। उन्होंने 1688 में शहर की स्थापना की और 1743 तक यहाँ शासन करते रहे। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने जैसलमेर की बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार किए और लोगों के जीवन को बेहद बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे। फिल्म का एक सीन बड़ा बाग के अंदर इन छतरियों के पास में शूट किया जाता है, जिसमें अजय देवगन, सैफ अली खान और नम्रता शिरोडकर तीनों इन छतरियों के पास में हथकड़ी को तोड़ने का प्रयास करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर इस छतरी के इस कॉर्नर को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा पत्थरों की इस चढ़ाई को, इनके अलावा सामने जो छतरियां नज़र आ रही हैं इन छतरियों को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन बड़ा बाग के अंदर इन्हीं छतरियों के पास में शूट किया जाता है। 18वीं शताब्दी में महाराजा जयसिंह द्वितीय की स्मृति में बनाई गई थी। उन्होंने 1688 में शहर की स्थापना की, 1743 तक शासन करते रहे। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने जैसलमेर के बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार किए और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहे। कई लोगों की उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी जेत बांध को चालू करना, इससे शहर को पानी उपलब्ध हुआ। रेगिस्तान हरा भरा, फूलों और फसलों की खेती हुई। इसने बंजर परिदृश्य में एक मरुद्यान का निर्माण किया जिसे बड़ा बाग के नाम से जाना जाने लगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र लूणकरण ने अपने पिता की स्मृति में एक छतरी बनवाई। इसके बाद यह एक परंपरा के रूप में जारी रही। मरने वाले प्रत्येक जैसलमेर राजा या रानी के लिए उनके लिए कब्रगाह का निर्माण किया जाने लगा। यह परंपरा अंततः 20वीं शताब्दी में बंद हो गई और महाराजा जवाहर सिंह के लिए अंतिम कब्रगाह का निर्माण किया गया। दुर्भाग्य से यह अधूरा रहा क्योंकि सिंहासन संभालने के लिए कुछ ही समय बाद उनके बेटे की अचानक मृत्यु हो गई। तब कब्र को दुर्भाग्य से जोड़ दिया गया और उनका निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया। फिल्म का एक सीन सोनार का किला के सामने इसी जगह पर शूट किया जाता है, जिसमें सदाशिव अमरापुर और जूनियर आर्टिस्ट कोडलेस पे बातें करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर सामने जो फोर्ट नज़र आ रहा है, इस फोर्ट की डिज़ाइन को आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन सोनार किला के सामने इसी जगह पर शूट किया जाता है। भारत अपनी एक ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें उनकी अद्भुत अलौकिक अविश्वसनीय अकल्पनीय बनावट और अनोखी वास्तुकला के लिए उन्हें विश्व धरोहर की सूची में रखा गया। ऐसा ही एक किला है राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, जो अपनी अद्भुत वास्तुशिल्प और बनावट के साथ साथ अनेकों राज को अपने में संजोया हुआ। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की शान जैसलमेर के किले के बारे में। यह भारत के सुदूर पश्चिम में स्थित है। इस किले का निर्माण 1156 ईस्वी में एक भाटी शासक राजपूत शासक जैसल द्वारा किया गया। फिल्म का एक सीन बड़ा बाग के अंदर स्थित इन छतरियों में शूट किया जाता है, जिसमें अजय देवगन, सैफ अली खान और नम्रता शिरोडकर तीनों आपस में बातें करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर इन पिलर्स की डिजाइन को मैच कर सकते हैं, इन गेट्स को, और इसके अलावा जो ये ऊपर गेट बने हुए दोनों, इनकी डिजाइन को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन बड़ा बाग के अंदर स्थित इन छतरियों के अंदर शूट किया जाता है। बड़ा बाग जैसलमेर में स्थित काफी प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। बड़ा बाग प्राचीन समय से ही राजा और महाराजा और रानी महारानियों के लिए एक शमशान घाट रहा है, जहां पर उनको जलाने के बाद उस जगह पर छतरियों का निर्माण कराया गया। बड़ा बाग में आपको बहुत सारी तरह तरह की छतरियां बनी हुई देखने को मिलती है और इन छतरियों के बगल में ही कुछ बड़ा
बगीचा है जिन पर बहुत सारे फल और जंगली पेड़ लगाए गए। फिल्म का एक सीन बड़ा बाग के अंदर स्थित इस छतरी में शूट किया जाता है जिसमें अजय देवगन और सैफ अली खान आपस में दोनों बातें करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीन शॉट में देखकर इस पत्थर की मूर्ति को मैच कर सकते हैं, इसके डिजाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इस पिलर की डिजाइन को भी आप स्क्रीन शॉट से मैच कर सकते हैं। और ये जो पिलर्स के दोनों के बीच में ये जो गोलाई है, गेट बना हुआ है, इसकी डिजाइन को भी आप स्क्रीन शॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन इन्हीं छतरियों के बीच में शूट किया जाता है। बड़ा बाग मुख्य रूप से रामगढ़ के रास्ते में जैसलमेर के उत्तर में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बड़ा बाग जिसका शाब्दिक अनुवाद है बिग गार्डन। बड़ा बाग में एक विशाल बांध है, एक टैंक और इसके आसपास सेनोटेफ का समूह है। इस स्थल पर एक राजसी बांध भी है जिसका निर्माण महाराजा जयसिंह जूनियर ने 16वीं शताब्दी में अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। इस स्थल पर मुख्य आकर्षण राजभवन है जो महाराजा जयसिंह के राजघराने के लिए बनाए गए थे। सेनोटेफ्स का अंतिम निर्माण महाराजा जवाहर सिंह के लिए किया गया था और जो अभी तक अधूरा है। शानदार सेनोटेफ जिसे स्थानीय रूप से छतरियों के रूप में जाना जाता है, वह सुंदर वास्तुकला और जटिल नकाशी के लिए देश भर के पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं। बड़ा बाग से कुछ दूरी पर स्थित विशाल पवन चक्किया इस साइट की सुंदरता को और बढ़ाती है। बड़ा बाग में विभिन्न छतरियों के अड्डे, चौकोर या षटकोणीय देखने को मिलते हैं। बड़ा बाग पर्यटकों के अलावा यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक फिल्म पॉइंट है, यहाँ आए दिन फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। तो दोस्तों, ये था फिल्म कच्चे धागे की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।